मेरा ये रोज़ प्लांट अचानक से ही मरता जा रहा था, ग्रोथ रुक गई, इस पर नई पत्तियाँ नहीं आ रही थी, नई शूट नहीं आ रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया। तब मैंने इसे ओपन किया और देखा कि इसमें रूट रॉट हो चुका है। अचानक से ये सब देख के मैं शॉक हो गई और जल्दी से ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस अपने रोज़ प्लांट को किस तरह से मैंने बचाया, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया, ये सारी बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊँगी। ये रोज़ प्लांट मेरा बहुत ही फेवरेट येलो कलर वाला रोज़ प्लांट है। बहुत अच्छे इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, कई बार मैं आपके साथ अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। इस पे अचानक से पत्तियाँ पीली होकर गिरती चली जा रही थी, न्यू शूट नहीं आ रही थी, डाई बैक की समस्या लग रही थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि कहीं इसका रूट राउट ना हो गया हो। जब मैंने इसे ओपन किया तो वाकई में इसकी रूट्स ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने अभी इसे ओपन कर लिया है, तब फिर मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए, हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। ओपन करने के बाद मैंने इसकी कुछ जो डेड सी ब्रांचेस थी, पतली पतली सी जो काली होती जा रही हैं स्टेम्स, उन्हें मैंने कट कर दिया। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी इसकी पतली पतली ब्रांचेस कट कर दी, आड़ी टेढ़ी ब्रांचेस कट कर दी। पत्तियाँ तो ऑलमोस्ट इसमें से झर ही चुकी थी, जो बची थी उन्हें भी मैंने निकाल दिया। और देखिए, ये रूट रॉट का जिस तरह से हो जाती है तो कुछ इस तरह से दिखती है रूट रॉट, जैसे मैंने आपको दिखाया। और अब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है टब में और उसमें फंजीसाइड, साफ़ फंजीसाइड, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हो एग्रीकल्चर शॉप से, साफ नाम से मिलता है। तो आप, मैंने उसे पानी में घोल लिया है, एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ है पानी में, और पूरे ही प्लांट को मैंने इस पर डिप करके और काफ़ी देर तक छोड़ दिया। पूरी ब्रांचेस को मैंने अच्छे से वॉश किया उसी पानी से। तब तक यहाँ पे मैंने मिट्टी बना ली इसकी। मिट्टी में मैंने जो उसकी गमले से मिट्टी निकाली थी वो ही ली है, उसमें अच्छे से सैंड वगैरह मिक्स थी। अब मुझे उसमें डालने थे कुछ न्यूट्रिएंट्स और फंजीसाइड। यहाँ पे मैंने थोड़ी राख ली है जो कि नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है। तो राख और जो उसमें कोयले के टुकड़े होते हैं उन्हें भी ऐड करना चाहिए, वो आपके प्लांट को रूट रॉट से बचाता है। और उसमें मैंने थोड़ा सा नीम खली वगैरह डाल के, कंपोस्ट वगैरह डाल के मिट्टी को वापस रेडी कर लिया। रूट्स को देखिए, ऑलमोस्ट मैंने सारी रूट्स को हटा दिया क्योंकि सारी ही रूट्स ख़राब हो चली थी, तो उन्हें मैंने हटा दिया और वापस इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्टिंग के बाद इसकी जितनी भी ब्रांच स्टेम्स मैंने कट की हुई थी उन सभी पे मैंने फंजीसाइड लगा दिया। अच्छे से एक एक ब्रांच पे फंजीसाइड लगाया जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था, ताकि मेरे प्लांट पे कोई भी डाईबैक की समस्या ना आए। ऑलमोस्ट मेरा ये प्लांट ख़त्म सा ही हो गया था। इसका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से किया मैंने। इसे अच्छे से फंजीसाइड लगाया, उसके बाद मैंने इसमें फंजीसाइड वाला पानी भी डाला और इसे सेमी शेड में रख दिया, ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, लेकिन फुल ब्राइट लाइट में ही रखा हुआ था ये प्लांट, क्योंकि टेरेस पे ही रखा हुआ था, बस मैंने इसे शेड पे रख दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी ऐसे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, अगर आपको अचानक से लग रहा है कि आपके प्लांट पे, रोज़ प्लांट पे स्पेशली ग्रोथ रुक गई है और कुछ इस तरह के साइन देखे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्तियाँ अचानक से पीली होती हुई होके गिर जाए, ब्रांचेस काली होने लगे, ग्रोथ रुक जाए, प्लांट पे कुछ न्यू शूट ना दिखे, तब आप उस प्लांट को जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। इस तरह से रिपोर्ट करके और फिर से उसे अच्छे से फंजीसाइड वगैरह दे के रोज़ प्लांट को काफ़ी आसानी से बचाया जा सकता है। रोज़ प्लांट की कटिंग काफ़ी मुश्किल से लगती है और काफ़ी सुंदर इसके फ्लावर्स आते हैं, तो कोई भी अपने प्लांट को नहीं खोना चाहता। रिपोर्टिंग के 4 दिन बाद का मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जस्ट 4 दिन में इस पे देखिए न्यू शूट निकल के आई,
जो कि काफ़ी होपफुल थी। ये शूट्स देख के मुझे उम्मीद हुई कि यस, मेरा प्लांट अभी भी बच सकता है। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी शूट्स काफ़ी सुकून दे गई मुझे कि यस, मेरा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ। फाइनली आफ्टर 15 डेज रिज़ल्ट, ये देखिए अब इस पर पत्तियाँ आ गई हैं, अब मेरा प्लांट पूरी तरह से सेफ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थोड़ा सा भी अगर आपके काम का वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से आप मेरे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।